अस्सलाम वालेकुम सारा पाकिस्तान में खुश आमदीद दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इंटरव्यू की तैयारी से मुतल्लिक है और इसमें हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपके पास नंबर वन पे जो जॉब है उस जॉब से मुतल्लिक तमाम मालूमात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए हैं तो वहाँ पे आपको उनकी प्रोडक्ट्स और उनकी जो मार्केट है जहाँ पे वो प्रोडक्ट सेल होनी है उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट किस मकसद के लिए है, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और इसकी बुराइयाँ क्या हैं, और इनको सेल करने के लिए कौन सा तरीका और कौन सा इलाका जो है वो मोस्ट सूटेबल है। दोस्तों, हमारी दूसरी टिप, एम्प्लायर की डिमांड को समझें। ये जहन में रखें कि जब भी कोई एम्प्लायर किसी जॉब का इश्तिहार देता है उसने पहले ही अपने जहन में एक खाका बना रखा होता है कि वो कौन से उम्मीदवार को जॉब देगा। लिहाजा जब इंटरव्यू शुरू हो तो पहले 2-3 मिनट के अंदर आपने उस खाके को समझना है, उस डिमांड को समझना है जो एम्प्लायर के जहन में मौजूद है। अगर आप उस डिमांड को सही समझने में कामयाब हो गए और आपने अपने आप को उस डिमांड के मुताबिक एक बेहतरीन उम्मीदवार साबित कर दिया तो ये जॉब आपकी पक्की है। दोस्तों, आज की तीसरी टिप, जॉब की बेहतरीन तकमील के लिए जो तरीक़ाकार है आपके जहन में वो अपने एम्प्लायर के साथ शेयर करें। आप उन्हें बताएं कि आप इस काम को, इस जॉब को, इस प्रोजेक्ट को एहसन तरीके से कैसे मुकम्मल करेंगे। दोस्तों, आज की चौथी टिप ये है कि एम्प्लायर के साथ अपने ज़ाती मसाइल शेयर ना करें। जिन उम्मीदवारों के ज़ाती मसाइल ज़्यादा होते हैं वो एम्प्लायर के लिए कोई अट्रैक्शन का बायस नहीं बनते। लिहाजा अपने आप को पुरकशिश उम्मीदवार के तौर पर साबित करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ज़ाती मसाइल को शेयर करने से गुरेज करें। दोस्तों, मेरी पाँचवीं टिप ये है कि एम्प्लायर के साथ गैर ज़रूरी गुफ्तगू से परहेज़ करें और गैर ज़रूरी तजर्बात उनके साथ शेयर ना करें, क्योंकि अगर आप इधर उधर के बहुत सारे तजर्बात उनके साथ शेयर करेंगे तो आपके प्रोफेशनलिज्म में कमी आएगी। आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसी जॉब से मुतलक अपने जितने भी तजर्बात हैं वो शेयर करें और उसी जॉब से मुतलक गुफ्तगू करें। दोस्तों, मेरी छठी टिप ये है कि इंटरव्यू के दौरान अपना रवैया इंतहाई मुस्बत रखें। जितने भी सवालात आपसे पूछे जाते हैं उनके मुदल्लल, मुख्तसर और जामे जवाब दें। मुस्कुराहट को अपना शोहर बनाइए, क्योंकि मुस्कुराहट बंद दरवाज़ों को खोल देती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।